छत्तीसगढ़ नेपक टोकरा एसोसिएशन नागपुर द्वारा 33 वर्ष प्रतियोगिता क्रीड़ा संकुल मानकापुर में 1 से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भारतवर्ष के राज्यों से 936 पुरुष खेल पंच तथा तकनीकी अधिकारी सहभाग करेंगे। इस खेल के प्रचार प्रसार हेतु नागपुर में फेडरेशन की स्थापना हुई। 1982 के दिल्ली एशियाड में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समक्ष पहली बार कुछ एशियन देशों के बीच प्रदर्शन किया गया। तब से आज तक इस खेल का संचालन निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र सेवक टोकरा एसोसिएशन ने आशीर्वाद से इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की जवाबदारी ली थी। सिंथेटिक बॉल एवं डमेंट नेट पर खेला जाने वाला ये एक संदिग्ध खेल है जो दो संघों के बीच बड़ी कुशलता से खेला जाता है। 5 फुट की ऊंचाई पर नेट पर खिलाड़ी वर्ग पैरों से बॉल को किक करते हुए तकनीक एवं रोमांच का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह वॉलीबॉल, फुटबॉल व बैडमिंटन का ये एक मिश्रित खेल है जिसे हाथों का उपयोग नहीं किया जाता। वर्ष 1990 में सेपक टोकरा खेल को एशियन गेम्स में समाहित कर लिया गया है। तब से आज तक अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान प्रतियोगिताओं में नियमित रूप से भारतीय संघ प्रतिनिधित्व कर रहा है। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में भारतवर्ष को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं वर्ष 2022 के जागतिक प्रतियोगिता जो कि थाईलैंड देश के बैंकॉक शहर में हुई थी, उसमें भारतीय संघ ने प्रथम स्थान प्राप्त कर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्हें सराहना भी मिली है। सेपक टोकरा ये खेल कुशलता पूर्व व तकनीकी खेल प्रकार है। खेल की प्रसिद्धि व रोमांच को देखते हुए स्कूल गेम फेडरेशन, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय पुलिस सेवा में मान्य प्राप्त ये खेल दिनों दिन प्रगति कर रहा है। इसे महाराष्ट्र क्रीड़ा परिषद में एवं महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता भी प्राप्त है। महाराष्ट्र शासन द्वारा इस खेल में 5% आरक्षण की सुलभता भी प्रदान की गई है। वर्तमान में अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय संघ ने तृतीय स्थान प्राप्त कर आपके नागपुर शहर को गौरवान्वित किया है। और इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अमृता पांडे यहां पर उपस्थित हैं और मैं डॉक्टर ललित जीवाणी प्रेसिडेंट महाराष्ट्र टकरा एसोसिएशन। ये सेपक टकरा जो खेल है ये इंडिया में 1982 में एशियाड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री थी, उनके सामने ये खेल का एक डेमोन्स्ट्रेशन मैच खेला गया था और उस समय महाराष्ट्र के जो वर्तमान में सेक्रेटरी डॉक्टर योगेंद्र पांडे वो भी एक उस डेमोन्स्ट्रेशन मैच के एक सदस्य थे, वो भी खेले थे। उसके बाद कंटिन्यू उन्होंने 16 नेशनल खेले हुए हैं और अभी जो हमारे यहाँ पर अभी टूर्नामेंट होने वाली है 1 तारीख से 5 तारीख तक, उसमें 4 इवेंट हमारे होने वाले हैं। पहला इवेंट है टीम इवेंट, दूसरा है रेगु इवेंट, तीसरा है डबल इवेंट और चौथा इवेंट जो स्क्वाड इवेंट है। इस प्रकार की स्क्वाड NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।